हमें याद रखना है कि भारत के संविधान में भी नागरिकों के समान अधिकार की बात कही गई है। सोशल मीडिया पर जैन समाज के सबसे लोकप्रिय जैन न्यूज चैनल चैनल महालक्ष्मी की ओर से आज आपके पास सागर जैन जी के साथ रुमाल साथ रखिएगा, आंसुओं के पहुंचने के काम आएगा। दिल पर कंट्रोल रखिएगा, किसी के बारे में अपशब्द मत निकालिएगा, क्योंकि इसके लिए जो आज देखेंगे आप, सचमुच आज आंखों से वह पानी निकलेगा जैसे आज हमारे तीर्थंकर हमें दिखा रहे हो, दुहाई दे रहे हो कि तुम किसकी औलाद हो, किसके वंश में जन्मे हो, किस कुल में जन्मे हो। ग्वालियर, गोपाचल का तुर्क, यह ग्वालियर का तुर्क है जहां से हम जा रहे हैं। अब साथ में हमारे साथी राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग श्री जिनप्पा कुमार धन्य कुमार गुंडे जी, जैन सदस्य जो है हमारे इस आयोग में, जिन्हें स्टेट कैबिनेट मिनिस्टर का ओहदा प्राप्त होता है, उसी रूप में वो चलते हैं। आप सबसे यही कहेंगे, इन दृश्यों को देखते हुए जो हमारी गाड़ी बढ़ रही है, आगे हम बैठे हैं, पीछे वो बैठे हैं और साथ साथ जा रहे हैं, इस उरवाई गेट से पास करते हुए दृश्य देखते हुए, पर इस समय एक ध्यान रखिएगा, अपनी आवाज को, अपने हाथों को, पैरों को चलाने की कोशिश कीजिए, केवल उंगलियों को चलाने की बजाय इनको चलाएंगे तो कहीं ना कहीं तीर्थ के बारे में संकल्प लेके आगे बढ़ के अपने तीर्थों को बचा पाएंगे। आज वही दृश्य आपको दिखा पाएंगे जिसको देखकर आंखों में आंसू आ गए थे, जब उस दृश्य को देखकर रूह कांप जाती है जब ऐसे दृश्य देखते हैं। अरे आपने आक्रमणियों को बहुत देखा है, बलवा करते हुए बहुत देखा है, जहां पर इस तरह से इंतहा बर्बादी की जाती है, लेकिन जब दुश्मन होता है जो करता है, लेकिन जब अपने अंदर से कोई ऐसा करता है, ऐसा दुनिया में आपने दूसरी मिसाल कहीं देखी नहीं होगी जो आज आपको दिखा रहे हैं। उतर रहे हैं अब हम वहां त्रिष्ठा मंदिर चलते हैं, दाई तरफ पड़ती है कोई जगह, और सिंधिया स्कूल से आते हैं तो बाई तरफ पड़ता है यह दिगंबर तो मूर्तियों का मूक प्रदर्शन जो आज बहुत चीख चीख कर हमसे कह रहा है। सड़क से 15-20 सीढ़ी नीचे उतरना पड़ता है, गजब की बात है। एक तरफ हम जमीन को खोदते हैं जहां से प्राचीन प्रमाण निकालने के लिए कि यहां पे कोई मूर्ति कोई मिल जाए जो कह सके कि पहले यह जगह वो थी, और एक जगह ऐसी सड़क ऊंचाई बनाई जाती है कि जिसके लिए हजारों जैन तीर्थंकर प्रतिमाओं को दबाकर कहते दफन कर दिया जाता है। कैसा देश है हमारा और कैसा इतिहास है। एक तरफ मूर्तियों को दफन करके सड़क बनाई जाती है और दूसरी तरफ जमीन को खोदा जाता है कि वहां से कोई प्रतिमा मिल जाए और हम अपने प्रमाण पर कर सकें कि हमारी जगह थी। गजब का इतिहास। चलिए उतरते हैं आपके साथ नीचे, साथ में देखकर जो आएंगे जलजला आ जाएगा उनको देखते हैं आंखों के अंदर। राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग को हमने कई पत्र लिखे तो हमने सिंधिया स्कूल को भी थे, यहां के मुख्यमंत्री को भी, और विभागों को, जिला कलेक्टर को, एसपी को, प्रशासन को, एएसआई को, सबको लिखे। केवल आयोग ने हमारे यहां कार्यवाही की और आज हम आयोग के साथ यहां आपके सामने देख रहे हैं। कैसा देश है हमारा, जो चाहता है चंद्रमा के अंदर जाके तैरता है, चलता है, चांद के पास साथ सूरज के पास निकट तक पहुंचता है, जो समुद्र के अंदर सड़क बना देता है, जो गुफाओं को, पहाड़ों को तोड़कर गुफा बना देता है, वो यहां पर यह नहीं देख पाता कि सड़क पानी इन तीर्थंकर प्रतिमाओं पर कैसे आता है। गजब का ये सही और कसब का ये सरकार की विभाग भारतीय पुरातन को नष्ट भ्रष्ट करने की एक कहते हैं बहुत लंबी साजिश। किसी को तो एक बार में मार दो और किसी को जहर को धीमा जहर देके मार दो, कुछ ऐसी ही व्यथा ये प्रतिमाएं हमसे कुछ कह रही हैं। सबसे पहले इन पांच बलियती, ये पांच बलियती देख रहे हैं आप, पहचाने भी नहीं पा रहे हैं। पिछले 3-4 साल में 3-4 बार हम यहां आकर देख चुके हैं। इन 4 सालों में जो शरण देख पा रहे हैं ना, आंखों से आंसू निकलने बंद हो गए हैं आज इनको देखने के बाद। ये प्रतिमाएं देख रहे हैं, देखकर हालत हो जाती है बेहतर जब इस तरह के रूप देख रहे हैं। ये रॉक स्टोन की कटी हुई की प्रतिमाएं हैं जो इस समय इस तरीके से भुर भुरे के रूप में रह गई हैं। दोषी कौन है इसके लिए? जैन समाज के साथ एएसआई विभाग, प्रशासन, सरकार, सत्ता, सब इसके दोषी हैं जो आज तीर्थंकर प्रतिमाओं के ऊपर यह दृश्य दिख रहा है। अगर कस के इसके ऊपर लगाया तो हाथ में भुर भुरा आता है, वह भी दिखाएंगे आपको किस तरीके से यहां पर यह भारतीय पुरातन को, भारतीय संस्कृति को मिटाने की खुली साजिश हो रही है। कारण भी है, धीरे धीरे खत्म करते जाओ, यहां से इतिहास मिटा दो। ऊपर हमारा स्कूल चल रहा है क्योंकि मंत्री जी का स्कूल है, इसमें कोई संतरी कुछ नहीं कर सकता है। एएसआई वाले भी चुप्पी लगाकर बैठते हैं, प्रशासन भी जैसे वहां पर घुटनों टेक जाता है। आज हालत यह हो गई है, खुलकर कहना पड़ रहा है कि समाज भी यहां पर इतना कमजोर है
जैसे मुंह से आवाज निकाले हुए भी यह हो जाती है। अपनी तीर्थंकर प्रतिमाओं के सामने हम ऐसी भीगी बल्ली बन जाते हैं। अरे बाबा ने जब नष्ट किया था तो एक एक नष्ट की थी, लेकिन यहां पर तो खुट खुट के इन प्रतिमा को जैसे खत्म किया जा रहा है। हमने सीधा गुंडे जी से एक प्रश्न किया इस दुर्दशा को देखने के बाद। आपने पिछले 40-50 वर्षों के अंदर जैन नहीं अपने हिंदू भी सिख भी ईसाई भी मुस्लिम भी बौद्ध भी अपने सैकड़ों नहीं हजारों धर्मस्थल आज तक देखे होंगे। क्या आज तक आपकी याद में स्मृति पटल पर एक ऐसा दृश्य होगा जो इस तरह की दुहाई देखी होगी? उन्होंने हाथ जोड़कर कहा कि शरद जी आज तक मैंने ऐसा दृश्य ऐसी दुर्दशा अपने जीवन में आज तक नहीं देखी है। यह है उनका विभाग। और उनके साथ एएसआई का क्या जवाब होता है? हाथ पर हाथ रखे फाइल बगल में दबाकर, फाइल तो थी नहीं खैर, मोबाइल पास में पकड़कर बस यही कहा, हमें पता नहीं चल रहा कि पानी कहां से आता है, हमें यह नहीं मालूम यह पानी कहां से टपकता है और क्यों टपकता है, शायद ऊपर से कुंड से आता हो, क्योंकि सिंधिया स्कूल बोलने की हिम्मत नहीं है, क्योंकि मालूम है कि यहां पर जिसकी हुकूमत है वह सरकार की नहीं है, या तो सिंधिया स्कूल की जैसे चलती है। जो किला खरीद सकता है, पुरातन खरीद सकता है, मंदिरों को खरीद सकता है, सड़क बंद कर सकता है, वह क्या कुछ नहीं कर सकता है? और सब यहां पर हाथ धरके बैठे हैं, गुना से चुनाव लड़ रहे हैं सिंधिया जी। अशोकनगर खाने जी, इस तरह के समाज को आज देखना होगा कि हमें चुनावों में किसको जिताना है, किसको चुनना है, या अपनी बात को सही रूप से सामने रखना है। हमने पास जाकर एसए के सामने, गुंडी सामने, इस प्रतिमा के सामने छुआ, भूरा एक इंच हमारे सामने आ गया। आज पत्थर भी भूरा बन गया है, काई सूक्ष्मजीव का यहां पर बोलबाला है। किस तरीके से चट्टाने घिस जाती हैं, किस तरह से सैंड रॉक खिस रही है, यह आज ये जीवंत नमूना दिख रहा है जो आपके सामने हमने सबको दिखाया। देखकर हैरानी होती है, इसे सब हाथ जोड़ के कहते हैं यह पता नहीं चल रहा कि ऊपर पानी कहां से आ रहा है। शर्म आती है उस देश के लिए जहां पर कहा जाता है कि जो अंतरिक्ष में प्रयोगशाला बना रहा है, जो जमीन में हजारों मीटर खुदाई करके तेल निकालता है, वहां कहते हैं 100 फुट की ऊंचाई पर पानी कहां से आता है पता नहीं चलता। गजब का इतिहास है हमारे देश का, विकासशील देश की बात करता है और 100 फुट के ऊपर पानी नहीं पहचान सकता। आज एएसआई की भारतीय पुरातत्व विभाग यह जवाब है, रटा रटाया नष्ट करने का एक साजिश का षड्यंत्र बन जाता है। जब इस तरह के जवाब देकर मुंह नीचे करके चुप हो जाते हैं, इंतहा हो जाती है जब यह देखा जाता है, शर्म आ जाती है जब इस तरह सवाब सुनकर सब चुप हो जाते हैं, दरवाजे बंद कर देते हैं और हरण चलता रहता है। यह तो अभी बेमौसम है, कोई बारिश नहीं है, और ऊपर स्कूल वाले कहते हैं हमारे यहां से नहीं कुंड से आ रहा है, कुंड बाई तरफ है, ऊपर स्कूल है, कहते हैं पानी हमारे से। गजब के जवाब है, गजब का सवाल है, समझ नहीं आता है कि किसका इस बार दोषी कौन है। क्या सब मिलके बने हुए हैं, सब एक प्रकार से हमारी संस्कृति का चीरहरण करने पर तुले हुए हैं। 57 फुट के ये आदिनाथ खड़े हों जिन्हें 52 गजा कहते हैं यहाँ के, यह 42 फुट की पद्मासन प्रतिमा है, यहाँ पर 40 खड़गासन है, 31 पद्मासन है और 840 छोटी बड़ी प्रतिमाएं और हैं। यह यहाँ की प्रतिमाएं बाबर की ओर से, आपको बता दें एक राज की बता दें, एक बार पूरा बाद में बताएंगे। भोपाल में एक शिलालेख, एक उनका पत्र लिखा हुआ है जो उसने हुमायूं को लिखा है कि हे बेटे, मैंने इन प्रतिमाओं को नष्ट करके बहुत गलत किया है, यह पूजनीय प्रतिमाएं होती हैं, ऐसा तुम मत करना। विश्वास नहीं होता, पूरा खुल के इतिहास बताएंगे। और यहां पर उसने तो आक्रमण किए थे, और यहां पर लगता है उसे ज्यादा गुलामी आज जैन समाज कर रहा है, आवाज नहीं निकालता है और आज सब कुछ चुपचाप से। अरे एक भगवान की प्रतिमा को सामने से देखते हो तो सोच लिया जितने पुण्य अर्जित करते हो सब पाप में मिल जाते हैं। इसका जो पाप कर्म का उदय है जिस दिन आता है ना, उस दिन कहते हैं मांगने को पानी भी नहीं मिलता, अगर उसके लिए तुम करने की हिम्मत करने की बोलने की ताकत भी नहीं रखते हो। क्या कह रहा है आज ही प्रतिमाएं, कह रही है बड़ी है खुड़ी है, अरे उसने तो एक बार मारा था, तुम तो रोज मारते हो, रोज इस धीमे जहर से अच्छा है एक बार को गिरा के खत्म क्यों नहीं कर देते, कम से कम ऐसी लानत कोई देख तो नहीं पाएगा। जो आते हैं हिंदुस्तान नहीं दुनिया भर से आते हैं, वह देखते हैं ऐसा तिरस्कार होता हुआ भगवान की प्रतिमाओं का, डूब मरने वाली बात है ये। गुंडे जी ने बार बार सवालों को पूछकर एएसआई से पूछा, अधिकारी से, भैया क्या हो रहा है, पानी है कुंड के अंदर 5-6 फुट, हम अभी देख नहीं सकते पानी कब देगा, पानी जब सूखेगा तब हम देखेंगे। गजब की बात है, गंगा ना सूखेगी ना कुछ होगा, वहां पर मछलियां क्या है, क्या नुकसान हो रहा है देखा नहीं जाएगा। आज जब हम जगह जगह पहाड़ों पर डैम बनाकर बिजली बनाने की बात करते हैं,
समुद्र को नापकर समुद्र के अंदर उतरने की बात करते हैं, आसमान में पहुंचकर आसमान की बात करते हैं, वो कहते हैं जब तक 6 फुट का पानी खत्म नहीं होगा हम देख नहीं सकते। यह जवाब है एएसआई का, पुरातत्व विभाग का। यहां पर पुरातत्व विभाग काम नहीं करता है नष्ट करने का, जैसे शेयर और क्रेडिट लेने को तैयार होता है। किससे क्या बात करें, बाहर दरवाजा बंद करते हैं। लोग बता रहे थे जब यहां पर हम बात कर रहे थे, कई लोग इकट्ठे हो गए कि यहां पर हम आते कभी अर्घ चढ़ाने को बाहर से मना कर दिया है, दरवाजे पर ताला लगा जाता है, अरे नीचे उतरकर दर्शन करने तक लिए मना कर दिया था। और वो कहते हैं नहीं 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 ऐसा नहीं होता। जो आदमी यह बोल रहे हैं सबके सामने वह झूठ नहीं बोलते हैं। हमें हैरानगी होती है कि एएसआई विभाग भारतीय पुरातत्व की रक्षा के लिए है या असुरक्षा के लिए। आज यहां पर खुलकर यह बात कहने की मजबूरी हो गई है, समाज जाग जाओ, वक्त है। अगर नहीं तो ऐसी समाज सजा मिलेगी जो आने वाले भवभवों तक माफ नहीं हो पाएगी। इन दृश्यों को देखकर आपकी आंखों में आंसू आए या ना आए, तीर्थंकर प्रतिमा को देखकर जो वास्तव में भक्ति करता है, श्रद्धा करता है, समर्पण करता है, उसकी आंखें तो जल जाती हैं इनको देखकर कि भगवान तूने मुझे आंखें अगर दी है तो क्या तेरी इस तस्वीर को देखने के लिए दी है। जिनको देख कर कहते हैं लोग निहारते हैं, आंखें आके मुस्कुराते हैं कि तप त्याग की पराकाष्ठा अगर किसी धर्म में देखनी है तो वह जैन धर्म में देख, और जैन कर्म को इतना निकृष्ट कर देते हैं उसके दृश्य ऐसे कि जो आंखों से देखता है वो कह नहीं पाता कि भारत देश के अंदर कभी है सोने की चिड़िया के रूप में 40 करोड़ की जनता वाला जैन धर्म को मानने वाले अनुयायी थे। आज उसके साथ किस तरह से किया जा रहा है, आज समाज में बोलने की ताकत नहीं रही है क्या, आज समाज इतना ज्यादा निरंकुश हो गया है, आज मुंह में आवाज जवान नहीं है जैसे जीप खींच के बाहर निकाल दी हो, कान सुनने को फटते नहीं है, हैरानगी होती है जब आंखें देखकर भी चुप हो जाती है, इनको मौन हो जाती है। दुनिया के महानतम आश्चर्य में गिनी जाने वाली प्रतिमा को एक तो बाबर ने कर दिया, और उसके बाद बाबर ने तो आक्रमण कर दिया था, और हम आज गुलामी की जैसे साई में जी रहे हैं। चल दी हम वहां से वापिस भारी मन के साथ, लेकिन क्या यह यहीं पर कहानी खत्म होती है? नहीं, यहीं से बात शुरू होती है। अरे आगे बढ़िए, हाथ से हाथ मिलाइए। दुनिया में कोई चीज असंभव नाम की चीज नहीं बनाई है, और कहीं भी ऐसा आज तक दुर्दांत नहीं आया है, ऐसा आक्रमण नहीं हुआ है कि जहां से बढ़ के आवाज उठाने की हिम्मत न की जाए। ऐसा भी देश निरंकुश नहीं हुआ है, ऐसी सत्ता नहीं है जो इसको देखकर, बात यह है कि सही जगह आवाज पहुंचाने वाली बात है। हमारे प्रधानमंत्री महोदय कभी ऐसे नहीं हो सकते। यह निर्दयित्व भाव है जो हमें नीचे होता है, किसी न किसी की शह पर होता है। अगर यह बात हमारे गृह मंत्री महोदय, प्रधानमंत्री महोदय के सामने आ जाए कि नंगा तांडव यहां पर हो रहा है, तो सचमुच कह रहे कईयों की क्लास नीचे तक लग जाएगी, क्योंकि उन्होंने साफ कह दिया है आज यह हम मेरा परिवार है, मोदी का परिवार है। हम मैं देश का चौकीदार हूं तो मैं देश के परिवार भी मानता हूं, और उस परिवार में अगर किसी बच्चे के सामने ऐसा होता है, बात सिर्फ उन तक पहुंचने की है। एक बार जब पहुंच जाएगा तो सबका सुख इतिहास एक बार में स्वर्णाक्षरों में पुनः गिना जाएगा। बस आवाज दीजिए, पहुंचाइए, और दरवाजे में खटखट कीजिए, आवाज तो कीजिए। सादर जय जिनेंद्र।